मोक्ष असंभव है। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। सिटी वैब में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी वैसे तो कोरोना काल से ही हर सेवा के लिए तत्पर हैं। वहीं सत्संग से जुड़ी संगत के लिए बाबा जी ने ऑनलाइन सवाल जवाब सत्र का प्रोग्राम आयोजित कर महामारी के दौरान संगतों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में भी बाबा जी ने संगत द्वारा पूछे गए सवाल जैसे सुख दुख बीमारी कर्मों को लेकर अनेकों सवाल किए, जिस पर बाबा जी ने क्या कहा आप भी देखिए। बाबा जी अपनी जिंदगी दे विच थोड़ा पीछे झाती मार के देखिए, हर इंसान दी लाइफ विच इन वेरिंग डिग्रीज दुख भी आंदा है, सुख भी आंदा है, बीमारी तंदुरुस्ती भी आंदी है, गरीबी मेरी भी आती है, पर फिर भी लाइफ इन्नी मुश्किल या कॉम्प्लीकेटेड है नहीं जिनी कि इंसान खुद बना लेता है। हाउ एंड वाई? साड़ी चाहत, साड़िया एक्सपेक्टेशंस वो कॉम्प्लीकेट कर दें। हजूर सत्संग में आम फरमाया करते सी इंसान नु किन्ना चाहिए, यू नो, यू नीड अ रूफ ओवर योर हेड, यू नीड टू स्क्वायर मील्स, two sets of clothes and everything else is extra. Now, if I want to complicate my life, I stay in big palaces and I want 7-course, 8-course meals and I want designer's clothes. At some stage, I end up by belonging to them rather than them belonging to me. Now, nobody's expectations can be fulfilled 100%. Nobody's. Can we fulfill anybody's expectation of us? And if we can't, they can't fulfill our expectations. So we have to create an attitude where we are willing to accept, but we don't. And that's why we complicate life. That means ke jo bhi saadiyan difficulties hai ne, ya problems ne, self-created. I would say mostly. Definitely. We create our problems. If we stay in his will, why should there be a problem? You know, जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या घट जाए जी। सो वेन वी से दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, टुडे ही इज गिवन मी द टॉप स्लॉट एंड टुमारो ही टेक्स इट बैक, इट वाज नेवर माइन, इट वाज हिज ग्रेस। इफ समबडी इज प्रेजिंग मी और समबडी इज क्रिटिसाइजिंग मी, व्हाई शुड इट मेक अ डिफरेंस? व्हाई शुड इट चेंज माई पर्सनैलिटी? आई एम वॉट आई एम। व्हाई शुड दैट प्रेज और क्रिटिसिज्म चेंज माई माइंड सेट? थैंक यू बाबा जी। जब भी कोई नेचुरल कलैमिटी आती है, गुजरात ले लो, नेपाल ले लो, कश्मीर ले लो, लेह ले लो, हुण कोविड आई है, तुसी अपने सेवादारां नूं सेवा दा मौका बख्शते हो, वो बड़े उत्साह नाल वो सेवा दा पालन करदे ने पूरे प्यार दे नाल, की असी इस नूं निष्काम सेवा कह सकदे हां? देखो जी, जिथे तिकर अपनी अवस्था है ना, अ सर्टन कैलकुलेशन इज ऑलवेज देयर। इस दुनिया विच अपने मन दे नाल जे आपां कहीए ना कुछ निष्काम है, वो बहुत पहुंचया होया ही उस अवस्था विच जाके निष्काम सेवा कर सकदा। इत्थों तिकर के सब तो शुद्ध माँ और बच्चे का प्यार मनिया जाता है, मगर उत्थे भी एक छोटी जी कैलकुलेशन हुंदी है माँ दे मन विच के वड्डा होके मेरा ध्यान रखूगा, मेरी देखभाल करूगा। सो कॉन्शियसली और द सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज़ में कैलकुलेशन में ले आता है। हुण आपां ठीक हैगा, कहण तो पहला ही सारे सेवादार आ जाते हैं कि जी की करिए किवें करिए, मगर किते ना किते थोड़ी जी कैलकुलेशन तो हुंदी है कि मेरे तो भजन सिमरन नहीं हुंदा, मैं सेवा ही कर लाँ, मैं होर जिम्मेवारियां विच्चों मेरा इन्नी दिक्कत आती है, शायद मैनू राहत मिल जाए। सो ईवन द सबकॉन्शियस माइंड समटाइम स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग कि इहदा मैनू बेनीफिट की होगा। सो ये कोई पहुंचया होया ही है जिहड़ा सेवा नू सेवा वास्ते करदा, उहदे विच अपना फायदा नुकसान नहीं देखदा। सो दैट इज आई मीन एज ह्यूमन बीइंग्स दैट्स व्हाट वी आर। बाबा जी की ये गलत है अगर वो सेवा करके वो अपनी सेवा नू थोड़े चरणों के विच अर्पण करते हैं, वो इवज़ ये मंगते हैं जब भी साडा
हिसाब किताब होगा तुसी शायद उन्होंने बख्श दो कर्म का जेड़ा कानून है ना भाई वह तो बड़ा अटल हैगा कर्म का हिसाब किताब तो देना ही देना हैगा आपां अपनी सेवा करके अपने मन विच शुद्धि पैदा करते हैं शुद्धि दे नाल ओ बोझ चुकना आसान हो जाता है मगर जे सोचिए कि जी मेरे कर्म बाहरली सेवा दे नाल खत्म हो जाएंगे वह नहीं होंदा शब्द कर्म की रेख कटाए शब्द शब्द से जाई मिलाए उत्थे तां भजन सिमरन ही करना पऊगा बाबा जी आए विल जस्ट टेक अ लिटल दिस थिंग उन किताबां दे विच कई दफा ग्रेट मास्टर दे मिरेकल शाद भाई शादी नूं सप लड़ गया ऑल दिस इज नॉट अ फैक्ट देखो मिरेकल ओही गल आ जांदी है ना कि मिरेकल की है हुण आपां नूं की पता कि ओह सप जहरीला सी आपां नूं की पता कि ओहदे नाल जे कोई इलाज ना करदा तां उहने मर जाणा सी आपां नूं तां नहीं पता लिखिया किताबां च इही है देखो चा एक गेम है ना चाइनीज विस्पर जिथे सारे जाने एक सर्कल विच बह जाते हैं तुसी एक दे कान विच कहो उन्हें दूजे च कहना है वह जदों तक सारा सर्कल कंप्लीट करके थोड़े को आंदा है ना तुसी समझते हो मैं तो यह क्या ही नहीं सो जदों भी तुसी किसे नूं कहानी दसदे हो अपना नूण मिर्च नाल ला दिंदा हैगा वह किसे होर नूं दसदा है वह अपनी मसाला ला लैंदा विच वह जदों तक वह कहानी पूरी तरह आती है वह बस कुछ होर ही बन गई होंगी here in this world we like to come back again and again go back to heaven and all it'll be so boring yeah I mean like I'm talking about somebody else it'll be so boring and this is the way of putting things across there is no person in this world who can say He is happy that he has never faced sadness or he has never faced problems. There's nobody who can say that. Now, they want to shirk their responsibility. They don't want to sort of pay attention to the spiritual aspect. They justify it by saying all these things. But you can be assured that if somebody was promised salvation, he would take it in a second. He wouldn't wait a moment to think about it. Thank you, Babaji. And Babaji, when did you get to know that you're going to be the next master? You're going to... No, I never got to know. I was told. I shouldn't question, but I do. I mean, I should have faith in whatever Maharaj ji did. But let's say I wonder, okay, why me? Because in my entire life, I can't say that there's anything where I have excelled, whether it was studies or games or anything. I never excelled in anything. But that doesn't matter, Babaji. That's not important at all. So basically, Maharaji put me here to say that if such an average person can succeed, why can't you? So that should give us the confidence and that should sort of help us to say that, I mean, you know, if he can do it, why can't we do it? All of you in your own fields, you have some excellence. I can't claim excellence to anything. Maybe it's a law of average. That's your humility, Babaji. It's not. No, that's one thing I need to have. I don't have. Humility is not my strong point. Dada Vaswani wasn't. Not me. But Babaji, before Maharaji passed away, didn't you get to know? I mean, like. No. Only when the will was read out? No, they called me. It was only when I was called. All the society members had probably gotten together. In Maharaji's office. So I was sitting on top. And somebody came and called me and said, Ji, they are calling you. And that is the...
अगर वीडियो अंग्रेजी भाषा में है तो उसका पंजाबी व हिंदी रूपांतरण नीचे दी गई पट्टिका में आ रहा होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।